हाय बच्चे बारी वेरी वॉम वेलकम टू द चैनल शिप्रा मिश्रा एंड दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन हा ओके कौन कौन आ गया है यहाँ पे प्रणव हाय बबीता जी कैसे हो शुभम बिल्कुल सही कह रहा है एक तो इतना नाटक हो चुका है मैं तुम्हें क्या बताऊँ लाइफ में <laughs> ये, ये करो वो करो ये भी खुद ही सब कुछ ऐसे क्या बताए हाय रवि हाय अंशु हाय शुभा हाय पंकज हाय तनुष्का हाय यश्मीत हाय दक्षता हाय अदिति हाय विशाली हाय सिमरनजीत कैसे हो करिश्मा हाय नमन कैसे हो रुद्रम क्या हाल है शुभम कैसे हो अंशु हाय श्रेया प्रॉब्लम तो अभी वैसे का वैसे है यार इट विल टेक सम टाइम हाय उदित हाय विदिका अच्छा अच्छा ठीक है हाय लक्ष्य कैसे हो टेक्निकल फैक्ट्स हाउ आर यू अमन प्रताप सिंह हाय युदित कैसे हो सिमरन क्या हाय केपी हाय साहिल हाय नताशा हाय सक्षम हाय जतिन हाय युगीश हा व यू सृष्टि व्हाट्सअप हाय सिद्धि हाय सम्यक हाय माही हाय करिश्मा हाय आशी हा व यू नैथली हा व यू पुरु कैसे हो सोल गेमर नाम भी तुम लोग चुन चुन के रखते हो हाय माही हाय विजय हाय जूमिंग हाय चिकी ओके हाय निखिल हाय हाय लक्ष्मी हाउ आर यू हाय कुशाल थैंक यू एम फाइन हाई एस के आर क्या बात है Hi, 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 up, कैसे हो क्या हाल है अंशु चालो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज हम करने वाले हैं आन जेनिफर्स टाइगर्स बहुत ही कमाल की पोम मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है ये पोम क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं आपको ये समझाती हूँ तो मैं आपको वो चीज़ें भी बताती हूँ जो मैंने एक्चुअली अपने आसपास देखी है वाइल ग्रोइंग अप एंड uh, ये पोम जो है ये पोम जैसा इसका टाइटल है एग्जैक्टली exactly, वैसी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे ये जो पोम है आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आंट जेनिफ़र है और उनके टाइगर्स के बारे में ज़रूर ये होगी बट अगर हम इस पोम को रीड करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि यहाँ पर तो एक कॉन्ट्रास्ट पूरा ड्रॉ किया हुआ है आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में आंट जेनिफर विपरीत है एकदम उल्टे है एकदम उनके टाइगर्स के कम्पेरिजन में हमें यहाँ पर पूरी पोम के अंदर हमारी प्यारी पोएट एड्रीन रिच जो है जल्दी से ओपी कर दीजिए क्योंकि आपको पता है कि जब हम पोएट को पूरी की पूरी इज्जत देते हैं तो मार्क्स की बारिश होने लग जाती है हम्म सच बता रही हूँ ठीक है तो बोला कि ये इन्होंने यहाँ पर पूरे पोअम में इस चीज पे फोकस किया है कि वो ये रियलिटी आपके सामने लेकर आ सके जो दुनिया के अंदर कभी कभी छुप जाती है पीछे रह जाती है जब हम वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और वो रियलिटी है पेट्रियाकल सोसाइटी की पुरुष प्रधान समाज की हम देखते हैं किस तरीके से एड्रीन रिच ने अपने काफ़ी सारे वर्क्स के अंदर यानी काफ़ी सारा जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उस कंट्रीब्यूशन के अंदर मेंशन किया है फेमिनिज्म को और किस तरीके से वो फेमिनिज्म को देखती है बच्चों जब हम ये पोम पढ़ते हैं तो हमारी ड्यूटी बन जाती है फेमिनिज्म शब्द को अच्छे से समझने की हमें ये समझना होगा कि फेमिनिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद विद द आइडिया कि हमें सिर्फ किसी एक का पलड़ा भारी करना है फेमिनिज्म का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि औरतों को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए लेट मी रीफ्रेज इट फॉर यू फेमिनिज्म का मतलब ये है कि आप दोनों पक्षों को ठीक है आप दोनों जेंडर्स को एक जैसा ट्रीट कीजिए फेमिनिज्म का मतलब है कि जहाँ पर आप पुरुषों को ए, आ, एक यू you नो know, एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देते हो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते हो आप वैसे ही औरतों को भी उतनी रिस्पेक्ट और उतनी अंडरस्टैंडिंग दो आप यहाँ पर एकदम एकदम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के जैसे मत बोल दो अरे ये तो लड़का ये कर लेगा नहीं तो तेल से नहीं होगा ये चीज़ देखिए बहुत फर्क होता है सेक्स और जेंडर में भी आप जो यहाँ पर ये डिविजन कर रहे होते हैं जो रोल्स का ये जेंडर है हाँ, बायोलॉजिकली हम लोगों को अलग बनाया गया है बट हम रिस्पेक्ट तो एज अग दे ही सकते हैं इस पोम के थ्रू एड्रीन रिच ने एक मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए बोला है मुझे और वो मैसेज ये है कि भूल जाओ के सामने वाला आदमी है औरत है क्या है आप सिर्फ और सिर्फ उसे एज अन बींग देख कर इज्जत दो आप सामने वाले को एक इंसान की तरह ट्रीट करो क्योंकि आदमी औरत हर जो जेंडर है आप जैसे भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो आप इंपॉर्टेंट हो इस दुनिया में आप प्रेस हो और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी एक कह सकते हैं पक्ष को जो है आप एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बना दिया है और बाकी सारे पक्ष जो है वो बेचारे वहां सबमिसिव होकर रह रहे अब उनमें कोई भी आ सकता है डोमिनेटिंग यहाँ औरतें भी हो सकती है आदमी भी हो सकता है सब कुछ भी हो सकता है तो ये पोम एक्चुअली थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव रखती है है और कहती है कि सबको इनसा, सारे इंसानों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए तो फिर मैम इसमें आंट जेनिफर की बात क्यों हो रही है आप ऐसा क्यों कह रही हो कि ये पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ लिखी हुई पोम है ऐसा इसके लिए है क्योंकि हम समाज की एक सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि एक समय पर पुरुषों को आदमियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था टू आपकी औरतें तो औरतों के कंपैरिजन के अंदर उन्हें प्रेफर भी किया जाता था उन्हें रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलती थी और औरतों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जा रहा होता था ना काम करने दिया जाता था नौकरी भी नहीं करने दी जाती थी इनफैक्ट समाज में उतनी रिस्पेक्ट भी औरतों की नहीं होती जिसका मतलब क्या है जिसका मतलब ये है कि एक इक्वेशन हमारे पुराने समय से जो है, वो हिल गई है हमारे पुराने समय से अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन हिल गई है ये इक्वेशन ऐसी हो गई है कि जहां पर किसी भी मायने के अंदर आदमियों को इतना आप कह सकते हो कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और हम कह सकते हैं कि ठीक है एक लेवल पे औरतों को उतना रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिल रहा था अब ये है हिस्ट्री जिसके अंदर आदमियों को रिस्पेक्ट ज्यादा मिल रहा है और औरतों को रिस्पेक्ट कम मिल रहा है ऐसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज के चलते हो रहा था और बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा सिर्फ भारत में होता है या होता था ये दुनिया के कोने कोने में हो रहा था आज भी इनफैक्ट बहुत सारे देश विदेश के अंदर ऐसा होता है जहां आदमियों को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है ज्यादा प्रेफर किया जाता है औरतों के ऊपर औरतों की बातें नहीं मानी जाती उन्हें उतना रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट किया जाता अब ऐसे में बच्चों क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं बहुत बार आपके आ, यू नो आप लोगों के थॉट्स को जानने के लिए आपसे जब बात करती हूँ इनफैक्ट ये भी जब भी मैं पोम पढ़ाती हूँ तो बहुत बार मेरे सारे जितने बच्चे हैं उनमें लड़के आते हैं हैं कहते है, मैम आजकल थोड़ी ऐसा होता है आजकल कौन करता है ऐसा आजकल तो औरतें बहुत तेज हो गई हैं और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है मैम हम बिल्कुल डोमिनेट नहीं करते हैं आजकल तो हमको डोमिनेट किया जाता है अरे मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कह रहे हो दुनिया काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है हम काफ़ी डेवलप कर चुके हैं औरतें भी आजकल एकदम आदमियों से कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी हैं उन्हें भी बहुत सारे स्पेस के अंदर इज्जत मिलने लगी है काम मिलने लगा है इनफैक्ट प्रेफर भी किया जाता है पर ये आज है ये एकदम ऐसा ही हो गया जैसे ये आपने आज कर दिया ये एकदम ऐसा ही हो गया कि आप ये आज बोल रहे हो बोला मैम आज तो देखो ना हम लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना मैम देखो ना मैम मेरे को मेरे को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे मेरी क्लास की स्नेहा को ट्रीट किया जाता है मुझे भी उतने ही मार्क्स मिलते हैं जितने उसको मिलते हैं तो फिर मैम वो और मेरे में डिफरेंस कैसे हुआ आज है ये, ये आज है अभी ये जो बीच का डिफरेंस है ये कौन पूरा करेगा ये कौन पूरा करेगा तो जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस बारे में कि ठीक है बहुत सारे जगह पे आ, कुछ कोटाज भी हैं हमारे देश के अंदर तो खास करके करके और बहुत ज्यादा जगह पे इनफैक्ट ये चीज़ प्रेफर भी की जाती है कि कहीं पे औरतों को आगे बढ़ाया जाए जैसे कि अब तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे बिल्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से औरतों को आगे बढ़ावा मिलेगा पोलिटिकल इकोनॉमिकल हर स्पेयर में तो हम लोग बहुत बार सोच में पड़ जाते हैं यार ये या औरतों को इस तरह इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है औरतों को ये सब कुछ क्यों मिल रहा है ये डिफरेंस खत्म करने के लिए मेरे बच्चों ये डिफरेंस खत्म करने के क्योंकि आज की स्थिति तो हो सकता है बराबर है पर ये पुराना डिफरेंस जो है ये कौन कंप्लीट करेगा वो साल जब आप लोगों को पढ़ाई लिखाई कराई गई नौकरी दी गई पॉलिटिकल से दिया गया वोट का राइट दिया गया उन सालों में जब औरतों को वो चीजें नहीं मिली थी उन सालों का भरपाई कौन करेगा और कब करेगा आप आज एकदम से आकर तो नहीं कह सकते हो कि अरे अभी औरतों को एकदम इक्वल ट्रीट करो कैसे करे भाई वो पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें नौकरी नहीं दी गई है उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया है तो वो डिफरेंस कौन पूरा करेगा इस वजह से कहीं ना कहीं आपको फेमिनिज्म का डेफिनेशन लगता है औरतों को पुश करना जबकि फेमिनिज्म का मतलब है ये वाली स्थिति अटेन करना जिस स्थिति में औरत आदमी हर एक इंसान एक समान है ठीक है सब कुछ एक समान है हर इंसान को एक जैसा ट्रीट किया जाता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का बच्चों ये एडरीन रिच हमें इस पोम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही है बताने की कोशिश कर रही है कि कभी कभी जाने अनजाने में हम ऐसी सोसाइटी को सपोर्ट कर देते हैं जो औरतों को दबाती है और उसका नतीजा क्या निकल आप अच्छे से इस पोम के थीम को जब आप समझ चुके हो ये क्या कहना चाहती है आप समझ चुके हो तो चलो हम पोम में चलते हैं बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी औरतें जो है अपने मन की बात कह देती है आवाज उठाती है पर बहुत बार औरतें ऐसा नहीं भी कर पाती है बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो चुप बैठ जाती है और बस इस जहर के घूट को पी लेती है और कुछ भी नहीं बोल सकती है ऐसी ही औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आज की पोम में लेकर आया है आंट जेनिफर को। अरे मैम सच बताओ, हाँ। आंट जेनिफर सिंबल है ये सिंबल है उन सारी औरतों के लिए जिनके साथ समाज में गलत हो रहा है उन सारी औरतों के लिए जिनके साथ में पुरुष प्रधान समाज की वजह से अन्याय हो रहा है जिन्हें सुना नहीं जा रहा अरे मैम फिर आंट जेनिफर का आ, 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 हमारी पोएट के साथ कोई लेना देना नहीं है क्या हो सकता है? हो सकता है कि आंट जेनिफर और पोएट बायोलॉजिकली कनेक्टेड हो जी ऐसा क्वेश्चन आता है नोट कीजिए इसे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है कि आंट जेनिफर और एड्रीन रिच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या हो सकता है दोनों बायोलॉजिकली कनेक्टेड हो सकते हो सकता है कि आंट जेनिफर एक्चुअली रिच की आंट हो बट इस पोम में आंट जेनिफर को हम जब समझेंगे उनकी स्थिति को जब समझेंगे तो ऐसे ही समझेंगे जैसे एक आंट जेनिफर सारी औरतों के लिए बात कर रही हो आंट जेनिफर्स टाइगर आंट जेनिफर के टाइगर अरे क्या बीबी हा? ये क्या आंट जेनिफर के टाइगर क्या होगा आंट जेनिफर टाइगर लायन लेकर बैठी है क्या साथ में है क्या था ना ना डॉग्स वॉग्स नहीं पालती मैं टाइगर पालती हूँ सीधा नहीं ये आंट जेनिफर के टाइगर्स एक्चुअली आंट जेनिफर की कला है आंट जेनिफर की आर्ट है ये आंट जेनिफर की एम्ब्रॉयडरी है ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों को कढ़ाई का शौक होता है तो वो लोग क्या करते हैं एक इस तरीके का एक पैनल होता है वो ले लेते हैं उसके अंदर वो कपड़ा दबा लेते हैं और कपड़ा दबा के वो पैनल वापस से बंद हो जाता है अब आपको क्योंकि वो कपड़ा स्ट्रेच हो गया तो इस पर कढ़ाई करने में बड़ी आसानी होती है ठीक है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे ही कपड़े पे कढ़ाई करते हैं अलग अलग चीजें बनाते हैं और बना के ना दीवारों पे खूबसूरती से सजा देते हैं उसका एक नाम है उसे कहते हैं टैपेस्ट्री क्या कहते हैं टैपेस्ट्री क्या कहते हैं टैपेस्ट्री कहते हैं जी तो टैपेस्ट्री उसे कहते हैं तो यहाँ पर आंट जेनिफर वही कर रही है अपने पैनल पे अपने कपड़े पे टाइगर बना रही है तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं एम्ब्रॉयडर किए हैं वो प्रांस करते प्रांस यानी भागना प्रांस यानी भागना वो भागते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन मान लीजिए ये कपड़ा है तो इस कपड़े में टाइगर इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं इधर तक तो बोला कि ये जो टाइगर है ये भागते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन एक जगह से दूसरी जगह तक ब्राइट टोपास डिनाइज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहां पर टाइगर्स को एंड जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए उनको डिस्क्राइब भी किया गया है कहा गया है कि जो टाइगर्स है ये ब्राइट टोपास जैसे हैं खूबसूरत चमकीले टोपास जैसे मैम टोपास क्या होता है एक येलोइश ब्राउनिश कलर का हीरा होता है एकदम खूबसूरत चमकीला हीरा होता है बोला ये जो टाइगर्स इन्होंने बनाए हैं येलो कलर की ब्राउन कलर की वूल से और ये जिस तरीके से यहाँ पर प्रैंस कर रहे हैं जिस तरीके से ये दौड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर सनलाइट पड़ रही हो इनके ऊपर रोशनी पड़ रही हो और उस रोशनी से ये एक हीरे एक जेम के समान चमक रहे हों डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन डेनिज डे नाइजन हाउवर यू प्रोनास इसका मतलब होता है रहने वाले बोला ये ब्राइट यानी यानी टाइगर्स ब्राइट टाइगर्स ये जो टाइगर्स है ये टाइगर्स रहने वाले हैं रहने वाले हैं कहा के रहने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ये रहने वाले हैं फॉरेस्ट ये रहने वाले हैं फॉरेस्ट के फॉरेस्ट में रहते हैं फॉरेस्ट में रहकर अपना राज चलाते हैं ओन करते हैं उस जगह को अच्छा इससे एक और चीज हमें पता चलती है और वो ये है कि ये जो स्क्रीन यानी ये जो कपड़ा है ये कपड़ा ग्रीन कलर का है यानी आंट जेनिफर जिस कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो ग्रीन कलर का है और उस पे ब्राइट येलो कलर के वूल से एम्ब्रॉयडरी की जा रही है टाइगर्स बनाए जा रहे हैं अरे मैं इतना सब कुछ इतने सारे जानवर है जंगल में आंट जेनिफर ने घूम फिर के टाइगर क्यों सिलेक्ट किया अरे शेर करती हाथी बनाती हाथी हा? टाइगर क्यों सिलेक्ट किया अब देखो बच्चों आप जानते हो कि हर एक जानवर की एक विशेषता है भगवान ने हर एक इंसान को हर एक पशु को मतलब दुनिया में जिसको भी बनाया है एक विशेषता के साथ बनाया है। हर एक जानवर उसकी उस विशेषता के लिए जाना जाता है वैसे ही टाइगर्स भी अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं अब कौन सी स्पेशल क्वालिटीज देखो मैं बताती हूँ ये स्पेशल क्वालिटीज कौन सी हैं They do not fear, fear the man, men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. बोला ये de कौन है बच्चों ये de है टाइगर्स बोला ये जो टाइगर्स है दे डू नॉट फियर ये डरते नहीं है नी डर है ये डरते नहीं है द मैन उन आदमियों से अरे ये दुनिया जहान आदमियों से डरती है यार टाइगर्स कहते हैं मैंने डरता ये डरते नहीं हैं उन आदमियों से जो पेड़ों के नीचे छुपकर बैठे हैं इनके शिकार के लिए ये डरते नहीं हैं उन बंदूकों से जो आदमी इनकी तरफ करते हैं इनका शिकार करने के लिए इनफैक्ट दे पेस इन पेस का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना ये आगे बढ़ते रहते हैं एकदम अपनी मंद मंद चाल अपनी जो इनकी चाल है उसके अंदर आगे बढ़ते रहते हैं इन स्लीक्रिक सर्टर्निटी एकदम स्मूदनेस के साथ एलिगेंस के साथ आ मैं टाइगर हूं मेरे को किस बात का डर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एलिगेंस के साथ कॉन्फिडेंस के, के साथ स्मूदनेस के साथ ये आगे बढ़ते हैं और डरते बिल्कुल नहीं हैं आगे बढ़ना इनका जो है कह सकते हैं विशेषता है आगे अपना गोल की तरफ बढ़ते रहना इनकी विशेषता है बिल्कुल नहीं डरना इनकी विशेषता एकदम निडर है ब्रेव है करेजियस है इनके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है एकदम स्मूथली चलते हैं इनके अंदर कह सकते हैं कि वो वो एलिगेंस है अपना सेल्फ एस्टीम अपना रुतबा है उनके अंदर वो एक चीज है ना कि ठीक है मेरे सामने मौत आ जाए पर मैं झुकूंगा नहीं एग्जैक्टली exactly वो फीलिंग है इनके अंदर ये है टाइगर्स की विशेषता और इस विशेषता की वजह से ही टाइगर्स को चुना गया है आंट जेनिफर के द्वारा अपनी टैपेस्ट्री के लिए मैम बट आंट जेनिफर बनाई क्यों रही है ये टैपेस्ट्री ये टाइगर्स बनाई क्यों रही है बच्चों कभी कभी हमारे मन में इतनी बातें होती हैं कि उन बातों को बयां करने के लिए शब्द जो है कम पड़ जाते हैं कभी कभी कुछ हम कहना चाहते हैं पर शब्दों से वो नहीं कह पाते और तभी तो एक कलाकार अपनी कला के थ्रू उन चीजों को दिखाता है अरे ऐसा ही किया है आंट जेनिफर ने आंट जेनिफर इन टाइगर्स के थ्रू अपनी स्थिति बता रही हैं। वो बता रही है कि जहां पर ये जो टाइगर्स है ये स्ट्रोंग है निडर है आदमियों से नहीं डरते हैं फ्री है कॉन्फिडेंट है इनका सेल्फ स्टीम है वहीं पर मैं वीक सबमिसिव हूं डरती हूं, हूँ नहीं फ्री हूं मैं फ्रीडम नहीं है मेरे पास ना बोलने की ना कुछ करने की नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम मुझ में आंट जेनिफर इन टाइगर्स के टोटल कॉन्ट्रास्ट में आंट जेनिफर हकीकत में एक ऐसी आर्ट क्रिएट कर रही है जो उनकी सिर्फ आर्ट नहीं हिडन डिजायर्स है वो भी इन टाइगर्स की तरफ फ्री होना चाहती है ब्रेव होना चाहती है करेजियस होना चाहती है और एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ एस्टीम के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है वो भी सर को ऊँचा करके और फिर एकदम मिरा किसी से डरे आगे बढ़ना चाहती है पर वो नहीं कर सकती ऐसा मैम क्यों नहीं कर सकती बताया है उन्होंने स्टैंडा टू में मेरे बच्चों स्टैंडा टू देखो स्टैंडा टू क्या कहता है अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े लिटरी डिवाइस देख लीजिए लिटरी डिवाइस में राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी ए ए बी बी ठीक है राइम स्कीम आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन ग्रीन एक जैसा साउंड कर रहा है ए ए ट्री सर्टेनिटी ई ई का साउंड आ रहा है तो बी बी ठीक है एक जैसे साउंड क्रिएट करने वाले जो एंड के वर्ड्स होते हैं उनको एक ही लेटर दे दिया जाता है उससे राइम स्कीम बनती है जैसे मान लो स्क्रीन को ए लेटर दे दिया अब स्क्रीन का जैसा साउंड आ रहा है ग्रीन में तो इसको भी ए लेटर दे दिया अब इन दोनों का जो साउंड है वो ट्री के साथ मैच नहीं हो रहा तो इसको बी लेटर दे दिया और ट्री ई e का जो साउंड है वो सर्टेन टी ई के साथ मैच हो रहा है तो इसको भी बी दे दिया तो ए ए बी बी इसकी राइम स्कीम बन गई अच्छा अब एनफोरा क्या होता है बच्चों एनफोरा का मतलब होता है जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक दो लाइंस के अंदर सेम शब्द का प्रयोग किया जाए जब एक के बाद एक दो लाइंस के अंदर सेम शब्द का प्रयोग किया जाए कहा शुरुआत में अगर दो लाइनों की शुरुआत सेम शब्द से हो रही है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं जैसे यहां पर इस लाइन की शुरुआत दे से हो रही है और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन की शुरुआत भी किससे हो रही है दे से हो रही है इसे हम क्या कहते हैं एनाफोरा इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेटाफर बच्चों मेटाफर क्या होता है मेटाफर का मतलब होता है कंपैरिजन विदाउट लाइक या एस हम कंपैरिजन तो करते हैं पर हम लाइक like या एस का इस्तेमाल नहीं करते इस कंपैरिजन को हम मेटोफर कहते हैं और ये कंपैरिजन यहाँ ब्राइट टोपाज में आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये नहीं लिखा है कि टाइगर्स ब्राइट टोपाज जैसे हैं अगर मैं यहां पर यह लिखती कि टाइगर्स ब्राइट टोपाज जैसे हैं तो ये बन जाता सिमिली तो यहां मैंने क्या किया टाइगर्स को हटाई दिया और उन्हें ब्राइट टोपाज ही कह दिया तो ये क्या बन गया है मेटाफर। ये ब्राइट टोपास क्या है टाइगर्स है सो so, टाइगर्स और ब्राइट टोपास को बिना लाइक और एज के कंपेयर किया गया है इसीलिए यहां मेटाफर है नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडा है वो देखेंगे सबके सब। हाँ नेक्स्ट स्टैंडा कहता है अभी हमने डिस्कस किया कि जेनिफर आजाद होना चाहती है निडर होना चाहती है अरे मैम वो क्यों ऐसा फील कर रही है आंट जेनिफर की उंगलियां जो है वो फ्लटर कर रही है आंट जेनिफर की उंगलियां जो है वो कांप रही है आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही है थ्रू हर वूल तो उनकी उंगलियां काप रही है थ्रू हर वूल फाइंडल ऊन है ना ऊन का पूरा वो जो एकदम गुच्छा उनके पास में है जिससे उन्होंने क्या रखा रहा है बड़ी वाली आइवरी नीडल एम्ब्रॉयडरी के लिए ऐसे हाथी के दाँत की नीडल बनाई जाती है ये आइवरी नीडल एक्चुअली हाथी के दाँत की नीडल है आती मेरे साथी ठीक है तो वो बड़ी सी नीडल जो है उस नीडल में मतलब ऐसे जो नीडल है उस नीडल के अंदर वो वूल जाता है एंड देन उसके बाद में आप एम्ब्रॉयडरी करते हो तो एकदम से यहाँ पे वो कहती है कि अभी उनके हाथ इतने काँप रहे हैं उनकी उंगलियाँ इतनी काँप रही हैं कि वो जो ऊन है ऊन कितना हल्का होता है यार उनमें कहाँ वजन है कि वो जो ऊन है जो कि आइवरी नीडल से उन्हें पुल करना है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए पुल करना मुश्किल हो रहा है उनके लिए उनकी उंगलियां इस तरीके से कांप रही है कि वो उस नीडल को पुल नहीं कर पा रही है ऐसा कैसे हो सकता है इतनी पतली सी नीडल सुई की बात कर रहे हैं हम हथौड़े की बात थोड़ी कर रहे हैं अब एक सुई की बात कर रहे हैं एक सुई किसी के लिए पुल करना मुश्किल कैसे हो सकता है हो सकता है बच्चों अगर कोई एक इंसान डिप्रेशन में हो अगर किसी ट्रॉमा से जूझ रहा हो अगर वो मेंटली ठीक ना हो अगर आप मेंटली बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाते हो आपको यहाँ थकान महसूस होती है आपको यहाँ वो 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 पेन महसूस होता है तो आपका शरीर भी टूट जाता है फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं इट्स बिकॉज शी इज गेटिंग ओल्ड अब वो बूढ़ी हो रही हैं इसकी वजह से उनके हाथ काप रहे होंगे एंड ऑल दैट नाइन अगर यहां पर हम उनकी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते जो एज की वजह से आती है तो हमने ये आइवरी नीडल वाली बात तो पढ़ी ही नहीं होती इन जान बूझ के ये डाल रही है और उन्होंने इवन लिखा है कि इतने हाथ उनके कापरे हैं कि एक सुई उनसे नहीं उठाई जा रही है खींची जा रही है तो इसका मतलब ये ये सब कुछ जो हो रहा है ये एज की वजह से तो नहीं हो रहा है यहां पर वो डिपिक्ट करना चाहती है ट्रॉमा को पेन को उस मेंटल एंगनी को जो कि आंट जेनिफर फेस कर रही है उस डिप्रेशन को जो आंट जेनिफर फेस कर रही है इट्स वेरी रियल ये 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 रिफ्लेक्ट करने लगता है आपके फिजिकल हेल्थ पे भी मैम ये डिप्रेशन कि वो इस तरीके से इतनी ज्यादा डिप्रेस है कि उनसे अभी अपनी आर्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है उनसे एक सुई तका तक नहीं उठ पा रही है हमें कैसे पता चलता है कि वो डिप्रेशन का कारण क्या है बच्चों उस डिप्रेशन का कारण है टॉक्सिक मैरिज कहीं सुना था मैंने कि जिंदगी के अंदर तीन पिलर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन पे हम अपनी जिंदगी को खड़ा कर सकते हैं और उनमें से एक होता है आपका फिनेंस एक होता है आपका हेल्थ और एक होता है रिलेशनशिप और अगर हम इन तीनों पिलर्स की बात करें तो ये जो तीनों पिलर्स हैं ये एक समान खड़े होने चाहिए और इनमें से कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रायोरिटी पे आएगी या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे बाद में देखा जा सकता है बाद में किया जा सकता उसके बावजूद भी रिलेशनशिप और हेल्थ को बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं ये तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आमतौर पर बात तक आ तक नहीं की जाती है लेट मी टेल यू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रियल होते हैं जी हाँ ये जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे इधर उधर लोगों के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में सुन रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रियल हैं और इतने रियल इनके इम्पैक्ट है इनके इतने रियल इफेक्ट्स हैं कि एक ऐसे इंसान को जो एकदम फिट एंड फाइन है ऐसा बना सकता है क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अगर मजबूत नहीं है किसी भी पर्सन के साथ में अगर वो टॉक्सिक है तो वो आपको पूरी तरीके से ड्रेन कर देती है आपको हर तरीके से क्वेश्चन करवाती है ऐसा यहाँ पे हो रहा है हाँ जेनिफर की रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा है जिसकी वजह से वो ट्रॉमा में जा चुकी है उनको सदमा लग चुका है वो डिप्रेस हो चुकी है मैम हाउ कैन यू ब्लेम उसके हस्बैंड को लाइक दैट हाँ कुछ और भी तो रीजन हो सकते हैं नहीं लेट्स रीड द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन आंट हैंड एड्रीन रिच कहती है कि आंट जेनिफर के हाथ पे अंकल का शादी में पिनाया हुआ वेडिंग बैंड है जी हाँ शादी में पिनाई हुई वो अंगूठी है जो कि शादी का प्रतीक है जैसे हमारे यहाँ पे या बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से शादी को दिखाया जाता है कहीं पे मंगल सूत्र तो कहीं पर वेडिंग बैंड के थ्रू से डिपिक किया जाता है, है ना उसकी शुभता को माना जाता है वैसे यहाँ पर इनकी शादी से जुड़ा हुआ वो जो वेडिंग बैंड है जो उन्होंने अपने हाथों पर पहना हुआ है वो अंगूठी जो उन्होंने पहनी हुई है वो इतनी भारी हो चुकी है ना इतनी भारी हो चुकी है कि शायद आंट से अब उसका बोझ नहीं उठ रहा है कि शायद उसे उठाने की वजह से आंट के हाथ कांपने लगे हैं जब हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप में होते हैं जब हम चाहते हैं किसी के साथ शादी करना और जब हम हमारी उनसे शादी होती है और हम उस शादी में खुश होते हैं तो वो अंगूठी जो हमें उस इंसान ने दी होती है पिनाई होती है वो अंगूठी दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा होती है हमारे लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सिंबल होती है हमारे लिए उससे आगे या उससे बढ़कर और कुछ नहीं पर जब वही रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है जब उसी रिलेशनशिप में हम खुश नहीं होते उसमें डोमेस्टिक वायलेंस सेस डोमिनेंस न जाने कितनी कितनी अलग अलग तरीके की चीज़ें जब आ जाती है तो उसी अंगूठी का वजन वेट उठता नहीं है इंसान से क्योंकि ये मात्र अंगूठी नहीं है बच्चों ये प्रतीक है शादी का जो कि आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अगर शादी अच्छी होती है हस्ती खेलती होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो काफ़ी आसानी से हम पूरी करते हैं बट जब वो गला घोटने लगती है वही शादी जब गला घोटने लगती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बोझ बन जाती है और जब वो बोझ बनती है जब उनसे हम निकल नहीं सकते उन्हें पूरा नहीं कर सकते बस उनमें बंधे रह जाते हैं तो हमें ट्रॉमा होने लगता ऐसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऐसे समझो जैसे कि आंट जेनिफर उन टाइगर्स -उन के थ्रू अपनी फ्रीडम को बना रही हो ऐसे समझो जैसे आंट जेनिफर अपने डिजायर्स को बना रही हूं। और जब वो उस 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 नीडल को पुल करने की कोशिश कर रही है अपने फ्रीडम को बनाने की कोशिश कर रही है अपने डिजायर्स को करेज को बनाने की कोशिश कर रही है सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने की कोशिश कर रही है तो मानो जैसे कि वो वेडिंग रिंग जो है वो वेडिंग रिंग जो कि शादी का प्रतीक है वो उन्हें दबाए जा रही है। वो उसको बार बार एकदम से खींचने की कोशिश कर रही है और हर बार उन्हें दबाया जा रहा है उनके हाथ कांप रहे हैं ऐसा इसके लिए है क्योंकि जब आपकी शादी हो जाती है और उस शादी के अंदर आप खुश नहीं हो तो आपको ही उसका दोषी ठहराया जाता है अगर आप उस शादी से बाहर निकल जाते हो तो आपकी इस समाज के अंदर उतनी इज्जत नहीं होती है कोई नहीं सोचता कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुट घुट के मरने से तो अच्छा है उससे बाहर निकला जाए इनफैक्ट लोग आपको ताने कसने लग जाते हैं वो सोसाइटी जो कि आपको दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान मानती होगी वही सोसाइटी आपको अब दुनिया का सबसे बेकार इंसान मानने लग जाती है बच्चों का क्या होगा आगे जीवन कैसे चलेगा न जाने कितने सारे सवाल आपको घेर लेते हैं ये वेडिंग बैंड उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारे सवालों का प्रेशर है आंट के ऊपर इसके साथ में ये स्टांसा ये भी डिपिक्ट करता है कि शायद कभी कभी औरतों को उनकी इच्छाओं को दबाने के लिए कह दिया जाता है हमारी मॉम से जाकर पूछो कितनी बार बहुत सारे जगह में बहुत सारे घरों में ऐसी माएँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो शायद न जाने क्या अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी न जाने क्या उनकी उम्मीदें थी अपनी जिंदगी को लेकर क्या सपने थे और कितने सपने जो हैं उनके दबा दिए गए कितने सपने तो दम घोट लेते हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में या पुरुष प्रधान समाज में क्योंकि कभी कभी सपने देखने का हक सिर्फ आदमियों को दे दिया जाता है हो सकता है कि आंट को आर्ट बहुत पसंद हो हो सकता है आंट को एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद हो टैपेस्ट्री क्रिएट करना बहुत पसंद हो पर अंकल को पसंद नहीं हो हो सकता है इसी वजह से जब वो टैपेस्ट्री क्रिएट कर रही है एम्ब्रॉयडरी क्रिएट कर रही है तो उनके हाथ काप रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अंकल को कहीं इसके बारे में पता ना चल जाए और टैपेस्ट्री किस चीज का प्रतीक है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं टैपेस्ट्री उनके डिजायर्स का प्रतीक है वो क्या करना चाहती है क्या हासिल करना चाहती है उसका प्रतीक है? राइम स्कीम वही है यहाँ पे ए ए बी बी और आपको यहाँ पर साथ ही साथ एलिट्रेशन भी देखने को मिलेगा फिंगर्स फ्लटरिंग में फ़ फ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है तो फ़ फ का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसकी वजह से यहाँ एलिट्रेशन है जब भी कॉन्सोनेंट लेटर्स का साउंड रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं लास्ट लास्टा जिसके अंदर आपको जितनी अभी आग महसूस हो रही है ना बच्चों वो आग आपको महसूस होगी पोल स्टिल रिंगड विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो प्राउड एंड बोला ये जो इच्छाएं है ना आंट की ये जो इच्छाएं उन्होंने अपने टैपेस्ट्री के थ्रू बताई है आजाद हो जाऊंगी फ्री एकदम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जीऊंगी सेल्फ एस्टीम के साथ जीऊंगी जो चाहे वो करूंगी मेरी मेरे, मेरी बात को तवज्जो मिलेगी मुझे मुझे अपनी आइडेंटिटी मिलेगी मैं अपनी डिसीजंस लूंगी मैं फ्री रहूंगी मैं करेजियस रहूंगी मैं ब्रेव रहूंगी ये सारे सपने जो है ना आंट के ये उनके साथ मर जाएंगे क्योंकि जब आंट की मौत होगी ना उनके हाथ कौन से हाथ टेरिफाइड हैंड कौन से टेरिफाइड हुए सेकेंड स्टैंडा में ऐसा लग रहा था तो क्या होगा मैम आवाज उठाएगी क्या अभियान जेनिफर इस पूरे के पूरे टॉक्सिक रिलेशनशिप के खिलाफ छोड़कर चली जाएगी क्या हमें लास्ट लास्टा में पता चलता है कि आंट जेनिफर उन औरतों को रिप्रेजेंट कर रही है जो ऐसे रिलेशनशिप में होकर भी समाज के डर से अपने बच्चों को बचाने के लिए न जाने किन डरों से आवाज उठा ही नहीं पाती हैं। उनका वो अनफुलफिल्ड उनकी वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो है वो उनके साथ ही चली जाती है हमें पता चलता है कि जब आंट मरेगी तो उनके हाथ अभी भी डरे हुए होंगे जब की मौत होगी तो उनके वो कप कपाते हुए हाथ हमें दिखेंगे वो लटके हुए हाथ हमें दिखेंगे जो अभी भी रिंग्ड है विद ऑडील शी वॉज मास्टर्ड बाय अब रिंगड के अंदर पन मौजूद है बच्चों पन का मतलब होता है एक ऐसा लिटरी डिवाइस जो ऐसे शब्दों को यूज करवाता है पोएट्स या फिर हम कह सकते हैं पोएट्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकता है और कॉन्टेक्स्ट भी आप वहां से डिफरेंट ड्रॉ कर सकते हो बट ऑफकोर्स अलॉन्ग द सेम थीम आप देखो यहां पर ये जो रिंगड है इस रिंगड के दो मतलब निकल सकते हैं पहला मतलब है बंधा हुआ और दूसरा मतलब है वो अंगूठी जो उन्होंने पहनी थी तो बोला उनके वो कप कपाते हुए हाथ अभी भी बंधे हुए होंगे उन ऑडील से ऑडियल्स का मतलब क्या होता है तपस्याएं चैलेंजेस संघर्ष उस उस पूरे ऑडियल्स के साथ उन चैलेंजेस के साथ अभी भी उनके कप कपाते हुए हाथ बंधे होंगे जी हाँ वही ऑडियल्स वही चैलेंजेस वही ऑब्स्टिकल्स जिनको उन्होंने जीवन भर झेला है उनके वो टेरिफाइड हैंड्स एक स्टोरी कहेंगे कि मैं चाह कर भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाई कि मैं चाह कर भी फ्री नहीं हो पाई मैं मरी भी हूँ तो आंट जेनिफर बन के मैं मरी भी हूँ तो भी मैं उस इंसान से जुड़ी हुई हूँ जिससे नाता मैं बहुत पहले तोड़ देना चाहती थी तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना किसी को मंजूर नहीं है मर जाना मंजूर है क्या हम एक ऐसे सोसाइटी का क्रिएशन कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक इंसान मैं इंसान की बात कर रही हूँ चाहे वो आदमी हो या औरत हो या कोई भी जहाँ पर कोई एक इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता क्या हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हम एज अ सोसाइटी किसी ऐसे इंसान को जिसने टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस किया और निकल वो बाहर आया है सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्यों नहीं हम तालियां बजाते हैं उन लोगों के लिए जो एक रिलेशनशिप में संघर्ष किए हैं और उससे बाहर निकल कर आए हम क्यों उन तालियों को तानों में कन्वर्ट कर देते हैं और उस इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं इतना मुश्किल कर देते हैं कि मौत आसान लगने लगती है उनको वो उसी टॉक्सिसिटी के साथ में जीने लग जाते हैं और मर जाते पोएट कहती है कि ये तो गलत है ना कि क्यों ऐसा है कि आंट जेनिफर जैसी न जाने कितनी औरतें हैं आई वुड से कितने इंसान हैं जो यहाँ पे मरना पसंद करते हैं बजाय मूव ऑन करने की आंट जेनिफर तो मर जाएगी पर आंट जेनिफर के आंट जेनिफर मर जाएगी बट आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं बच्चों जी हाँ आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर के टाइगर्स यानी आंट जेनिफर की आर्ट बच्चों जिंदगी खत्म हो जाती है इंसान खत्म हो जाता है पर उसकी आर्ट हमेशा एंड्योर करती है जी लोग मर जाते हैं पर उनकी कही हुई बातें लिखी हुई बातें उनकी आर्ट जो है वो कभी नहीं मरती तो शायद आंट मर जाएगी पर आंट की जो जो आर्ट है उन्होंने उस पैनल के थ्रू दिखाई है वो जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो टाइगर्स प्रतीक है उनके अनफुलफिल्ड डिजायर्स का वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स उस आर्ट के रूप में एंडियोर करती रहेगी वो टाइगर्स उस पैनल में बनाए गए टाइगर्स उसी तरह भागते रहेंगे उस प्राउड के साथ सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उतने ही निडर होके तो शायद आंट को मुक्ति नहीं मिली है आंट फ्री नहीं हुई है बट शायद उनके आर्ट उनके टाइगर्स फ्री हैं शायद उनकी अनफुलफिल डिजायर्स फ्री हैं प्राउड हैं अनअफ्रेड है राइम स्कीम ए ए बी बी है एलिट्रेशियन आपको प्रांसिंग प्राउड में देखने को मिलेगा प्र प्र का साउंड यहाँ पर हो रहा है रिपीट इसके साथ में आपका पोम आंट जेनिफर्स टाइगर हो चुका है कंप्लीट। और जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये जो पूरी पोम है ये बात करती है अबाउट मेल डोमिनेंस पुरुष प्रधान पेट्रियाकल सोसाइटी और फेमिनिजम ये पूरी की पूरी पोम कहीं ना कहीं इस बारे में है कि किस तरीके से हर इंसान को जीने का हक है हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते और कैसे हमें एक मजबूत एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने की ज़रूरत है ताकि से हम इस तरीके से इंसानों को मरते हुए घुटते हुए ना देखें और हम सब आज़ाद हों बाहर हम आज़ाद दिख रहे हैं पर मन से भी तो ये था मेरा इंटरप्रिटेशन आंट जेनिफर की आंट जेनिफर के पोम का जिसको लिखा है एडवीन रिच ने मैंने इसको अपने तरह से पूरी तरीके से नरेट करने की कोशिश किया है कोशिश किया है कि आपको विविड इमेजरीज के साथ में इसे समझाया जाए आई होप के आपको ये पसंद आया है आई होप आपको मेरा इंटरप्रिटेशन पसंद आया आपने आज पूरा लेक्चर अच्छे से सुना or samjha mirza thank you so much thank you so much all right thank you so much guys for having me tapestry is that um वो वो कपड़ा है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है जिसे आप वॉल पे लगाते हो ठीक है वेर एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है वो कढ़ाई एक्चुअली वो जो आर्ट है थैंक यू सक्षम बच्चों मैं टेस्ट प्रिपेयर करके आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन uh, में डाल दूंगी एंड मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगी आपके कम्युनिटी एज वेल एज टेलीग्राम पर थोड़े से शायद मुझे लगता है लिंक्स uh, अपडेट करने की ज़रूरत है यार मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे सवा सात बजे होते हैं बट अभी दो दिन से साढ़े नौ बजे इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज मैंने उन्हें मना भी किया था और मैंने उनको बोला था कि मेरी दो क्लासेस होती हैं एक साढ़े तीन एक सवा सात बट वो लोग ने बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनी <laughs> साढ़े तीन वाले में तो फिर भी उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था बट सवा सात वाले में तो वो वो मैं जैसे पैकअप कर रहे थे तो आवाज़ें हो रही थी तो वैसे माइक आप तक आवाज़ पहुंचने नहीं देता बट वो मेरा कंसंट्रेशन बहुत किल कर देता है मैं क्या है बिना इसके या कोई एक्सप्लेनेशन या बुक के पढ़ाती हूँ तो इस वजह से अगर मैं कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ा पाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ या मैं जो बात आप जो बातें आपके साथ शेयर करने आई हूँ वो सारी बातें नहीं शेयर कर पाऊँगी तो इसलिए मैंने सोचा साढ़े बजे लगा देते हैं जो बच्चे नहीं देख पाएंगे बाद में देख लेंगे तो दैट्स इट For this class, I hope you enjoyed it. I'll update all the links. Uh time to understand kese kese Sari Chize and Sarah just take them pure concept ka YouTube uh, uh I am the only person creating thumbnails also, and then I'm I'm also teaching and creating the session also and links and everything. My sister is also helping though, so thanks to her, but um, शी इज ऑल्सो स्टडिंग एंड ऑल्सो आई कैंट डिस्टर्ब अच तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा रूटीन में डालने के लिए बट ट्रस्ट मी मैं सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ अपडेट आपको करती रहूँगी एंड जो जो प्रामिसज मैंने किए हैं चाहे वो टेस्ट हो नोट्स हो आपके लाइव लेक्चर्स हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सब कुछ होगा मतलब आप सॉटेड हो ठीक है इसके साथ में आपको बता देती हूँ कि अभी C U E T के लिए आपके लिए कुछ सोच रही हूँ क्योंकि uh, C U E T को स्टार्ट करने का हाई टाइम आ चुका है और uh, अभी अगर हमने C U E T को और टाला तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि क्या होता है कि आपको उतना टाइम मिलता नहीं है राइट आफ्टर बोर्ड्स राइट क्योंकि इंग्लिश में वो चीज़ें नहीं है जो आप सोचते हो इंग्लिश में कभी कभी ऐसी चीजें पूछी जाती है जो आपको आपके टाइम में बहुत बेसिक लगती है बट जब आप पढ़ने लगते हो तो उतनी बेसिक नहीं होती है आपको जब मैं बोलती हूँ नाउन क्या है तो आपके लिए बहुत आसान है उसे समझना बट जब रूल्स पे आते हैं एरर निकालने लगते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है right? राइट तो इस वजह से सी को शुरू करना है कोशिश ये कर रही हूँ कि सी को इस तरीके से शुरू करूँ कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं जी नहीं आप सारे स्ट्रीम मेरे साथ पढ़ पाओ तो बस टीम बनाने की पूरी कोशिश है और आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश है तो वो भी थोड़ा बैक एंड पे चल रहा है बताऊंगी आपको थोड़े राज खोलूंगी आपके साथ में थोड़ा एक बार सारी चीज़ें एकदम पूरी क्लियर हो जाए बैक एंड पे तो फिर आपके साथ में शेयर करूंगी वो अभी फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में ओके सो बाय बाय गुड नाइट एंड यू शुरस